हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे बात करने आया हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ गेट एग्ज़ाम। और ये वीडियो मेरे को इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि आप में से कई बच्चे हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं पर उनका कई टाइम से सीएसआर नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो मैं आपको एक अल्टरनेटिव देना चाहता हूँ गेट एग्ज़ाम के थ्रू कि क्या है गेट एग्ज़ाम में जो आपको गेट एग्ज़ाम करना चाहिए और क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है और क्या इसके फ़ायदे हैं। मुझे लगता है और आपको पता होना चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम में फोकस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गेट एग्ज़ाम का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर आपका सीएसआर नेट क्वालिफाई नहीं होता, आप अगर गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको तब भी पीएचडी करने का मौका मिलता है विथ सेम अमाउंट ऑफ फेलोशिप। सेकेंड, गेट एग्ज़ाम सिर्फ आपको पीएचडी करने का मौका नहीं देता, आपको जॉब करने का भी मौका देता है। अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो गेट के थ्रू आप ONGC, DRDO, BARC इन गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। थर्ड, गेट एग्ज़ाम नेट के मुकाबले मुझे लगता है ईजी होता है। मतलब रैंक लाना तो इतना ईजी नहीं है कि टॉप 100 टॉप 200 में आप आ जाए, पर क्वालिफाई करना ईजी होता है और कभी कभी गेट क्वालिफिकेशन से भी और कभी कभी गेट क्वालिफाई से भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो मुझे लगता है अगर आप रेगुलर मेल करेंगे प्रोफेसर को या ज़्यादा से ज़्यादा जगह अप्लाई करेंगे, पुरानी IITs में नई IITs में जाएंगे, NITs में जाएंगे, तो 2000-2500 तक भी मैंने देखा है बच्चे गेट की रैंक लेके PhD में एनरोल हो जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा है। पॉइंट देखिए, गेट में आपको मुझे लगता है ज़्यादा टाइम मिलता है एज़ कम्पेयर टू नेट के, क्योंकि देखिए आप अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं शुरू से, लेट अस सपोज आप दिसंबर वाले की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए जो आपका एग्ज़ाम है गेट का वो फरवरी में है, तो यानी आपका एक नेट के लिए जो आपने पढ़ा एक तो वो काम आने वाला है और एक आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रिवीजन आपको काम आने वाला है गेट एग्ज़ाम में। तो कहीं ना कहीं यानी गेट के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू नेट के, तो सिलेबस क्योंकि सेम है तो आप जो भी नेट में पढ़ते हैं वो आपके गेट में ऑलरेडी काम आ जाता है और वो जो भी गलतियां आप नेट के एग्ज़ाम में करते हैं उनको आप गेट के एग्ज़ाम में सुधार सकते हैं। तो ये एक जो एक्सटेंशन वर्जन है नेट का वो आप कह सकते हैं। देखिए, गेट का सिलेबस और नेट का सिलेबस आप देखेंगे दोनों ही रिस्पेक्ट में सेम है। मतलब आप केमिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री आप देखेंगे वही नेट में आती है, वही गेट में आती है, बस नेट के जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा अलग है पर गेट के पेपर का पैटर्न अलग है, पर सिलेबस बिल्कुल केमिस्ट्री का सेम है। अगर आपने नेट के लिए अच्छे से पढ़ा है तो आप गेट आराम से आपका तैयार हो जाता है। और अगर मैं पार्ट ए की बात करूं या एप्टीट्यूड की बात करूं तो नेट का जो एप्टीट्यूड है वो गेट में काम आ सकता है, पर हाँ गेट में एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आती है वो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ थोड़े से टिपिकल एप्टीट्यूड आते हैं, तो इसके लिए भी आपको पूरा टाइम मिलता है। मुझे लगता है अगर दिसंबर स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाता है तो आप बाद में उन एप्टीट्यूड को पढ़ सकते हैं या जनवरी में भी आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि आप वो एप्टीट्यूड की तैयारी कहाँ से करें तो एक बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरल एप्टीट्यूड की बुक है ओसवाल बुक्स की तरफ से, तो इससे आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे एप्टीट्यूड क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके सब्जेक्ट में कौन से एप्टीट्यूड ज़्यादा आ रहे हैं या किस टाइप के आ रहे हैं उसका आइडिया भी आपको लग जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें आपको कंटेंट में सैम्पल पेपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको सिलेबस के बारे में पूरा पता लग जाएगा कि क्या क्या सिलेबस आपके गेट के एग्ज़ाम में आता है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स भी आपको देखने को मिल जाएगी कि आपके सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ थी और जो ये पार्ट ए का सेक्शन आ रहा है वो कितने मार्क्स का किस टॉपिक से। इसमें कुछ माइंड मैप्स भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को ईजिली समझने में। लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पॉइंट अगर मैं गेट एग्ज़ाम की बात करूँ तो एक और फ़ायदा गेट एग्ज़ाम में, देखिए आप अगर देखेंगे तो गेट एग्ज़ाम में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू नेट एग्ज़ाम। मतलब गेट एग्ज़ाम में नेट के मुकाबले हाफ से भी कम कैंडिडेट होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन आप इस रिस्पेक्ट में कम लगा सकते हैं कि जितना आप नेट में देखते हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको गेट में कम मिलेंगे। जो एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, आप देखेंगे गेट में ना ऑर्गेनिक इतनी हार्ड नहीं आती है। जनरल केस में क्या था, आपको ऑर्गेनिक काफ़ी टफ लगती है और नेट की ऑर्गेनिक तो आपने काफ़ी देखी भी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, पर अगर आप गेट की ऑर्गेनिक देखेंगे तो गेट की ऑर्गेनिक थोड़ी ईजी होती है और अगर आपने ऑर्गेनिक बेसिक भी किया है तो आप गेट में ज़्यादातर क्वेश्चन ऑर्गेनिक के कर पाएंगे। तो ये एक फ़ायदा होता है, मतलब गेट में अगर आप हर सब्जेक्ट को पढ़ के जाते हैं ना और बेसिक करके जाते हैं अच्छे से, तो मुझे लगता है आप गेट के एग्ज़ाम के सवाल ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू नेट के। मतलब गेट में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आते ऑर्गेनिक के जितना टफ क्वेश्चन आपको नेट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा आपको मिलता है। और
अब मैं बात करूं आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है या गेट की तैयारी करनी है, तो उसके लिए देखिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पर कुछ फ़िलहाल की कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताना चाहूं तो एक तो ये देखिए, आप गेट में सिलेबस पूरा करके जाइए। सेकंड, आप कैलकुलेशन में अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम काफ़ी कैलकुलेटिव है, या कह सकते हैं कि मतलब आपकी कैलकुलेटर प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चन थोड़े लेंदी आते हैं। थर्ड पॉइंट है, अगर आप नेट के लिए अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये सोच के चलिए कि आपको गेट के लिए भी अच्छे से करना है। मतलब आप शुरू से ही गेट और नेट को साथ लेके चलिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है दोनों के लिए बहुत अच्छी हो, और आपके के पास पीएचडी के साथ साथ एक जॉब का ऑप्शन भी हो, अगर आप जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।